एक सुगंधित घास जिसे आमतौर पर नींबू घास के नाम से जाना जाता है, एक बारहमासी एवं बार बार काटी जाने वाली फसल है। लेमन ग्रास जैसी सुगंधित फसल न केवल पानी की कमी में अच्छी पैदावार दे सकती है, बल्कि लंबे समय तक सूखे की स्थिति में भी जीवित रहने की क्षमता रखती है। भारत लेमन ग्रास का लगभग 700 टन उत्पादन करता है, इसमें से एक बड़ी मात्रा का निर्यात भी करता है। इसकी सूखी हुई घास से तेल निकाला जाता है और ये पत्तियां बाद में ईंधन के रूप में भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। आज के युग में अगर हम ऐसी फसल की बात करें जो कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप पर लगाई जा सकती है, तो वो है नींबू घास, जो कि पारंपरिक फसलों के अलावा आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद विकल्प प्रदान कर सकती है। हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो वर्षा के जल पर आधारित खेती हुआ करती थी, लेकिन जो वातावरण का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण ज़्यादा बड़े से बड़े भूभाग में पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है और जो परंपरागत खेती थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। किसान को करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, जिस प्रकार की लेमन ग्रास एक ऐसी बड़ी उपयुक्त क्रॉप है जो कि उसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा एक पहली एक वर्षा हो गई, उस वक्त लगा दिया, उसके बाद वो जड़ पकड़ लेती है और बढ़ती चली जाती है। अगर उसको पानी अच्छा मिल गया तो अच्छी क्रॉप हो जाएगी, नहीं तो फिर भी वो कुछ से कुछ रिटर्न ठीक ठाक दे के जाएगी। इसीलिए हम इसको इंश्योरेंस क्रॉप भी कहते हैं कि किसान जहाँ पर खेती करने की उसका उत्साह नहीं रहता है, उसकी इच्छा नहीं रहती है, वहाँ पर लेमन ग्रास लगा दे तो वो प्रति एकड़ में 30 से 40 हज़ार के आसपास कम से कम वो दे करके जाएगी। और इस प्रकार के जो विदर्भ और बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए और जहाँ पर कि पानी की उपलब्धता की कमी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के लिए लेमन ग्रास बहुत ही उपयुक्त क्रॉप है। कई वर्षों के शोध के बाद विकसित सीमैप की नींबू घास की किस्म सिम कृष्णा भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। सीमैप द्वारा विकसित नींबू घास की नई प्रजाति सिम शिखर, जिसमें 20 से 30% अधिक तेल तथा 86% सिट्रॉल सामग्री के साथ उत्पादन करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से लेमन ग्रास ऑयल की हमारी एक वैरायटी पहले कृष्णा हुआ करती थी, लेकिन हमने 2 वर्ष पहले एक नई वैरायटी निकाली सिम शिखर, जिसमें कृष्णा की तुलना में करीब करीब 20% अधिक तेल का उत्पादन होता है प्रति एकड़ में। तो इस प्रकार से ये और अधिक लाभकारी होगी। हम अपनी नई वैरायटी को कृष्णा के साथ साथ एरोमा मिशन के थ्रू पूरे किसानों के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा की कमी है, जल की कमी है, वहाँ पर इसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। लेमन ग्रास की एक और खूबी ये है कि इसे जंगली पशुओं से भी खतरा नहीं होता है। साथ ही ज्यादा मुनाफे के लिए किसान इसकी सह फसली खेती भी कर सकते हैं। अरोमा मिशन में हम किसानों को जो एक मार्केटिंग की सुविधा है वो भी उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे किसान हैं वो हम उनको रजिस्टर करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है अरोमा मिशन की उस पर रजिस्टर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो बायर्स हैं, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे कि बायर्स जो हैं उन किसानों के बारे में जान सके जो मेंथा की पैदावार कर रहे हैं, और मेंथा के किसान वो जान सके कि इंडस्ट्री में कौन से बायर्स हैं जिससे उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। इसका तेल नींबू युक्त विशेष सुगंध के लिए साबुन, दवाएं, पेय पदार्थों, कीटनाशक और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है। यह समशीतोष्ण के साथ ही ठंडे वातावरण में उगाया जाता है, लेकिन नई किस्मों को कम पानी वाले स्थानों में भी उगाया जा सकता है। एक बार लगाई गई लेमन ग्रास की 5 वर्षों तक फसल ली जा सकती है। भारत में लेमन ग्रास की खेती का रकबा बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन विदेशों में इसके तेल की मांग को देखते हुए इसमें अपार संभावनाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आय इस फसल द्वारा 40 से 50% उन इलाकों में बढ़ी है जहां पर किसान वर्षा आधारित खेती किया करते हैं या उनके पास खेती के विकल्प उपलब्ध नहीं है।
CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित लेमन ग्रास की अनेकों प्रजातियों से इसकी खेती को देश में काफी बढ़ावा मिला है। इन सभी बातों को देखते हुए एरोमा मिशन के तहत लेमन ग्रास की खेती को देश भर में विस्तारित किया जा रहा है, जिससे कि व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए भविष्य में इसकी बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके। चलिए आपको इसकी खेती की पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। इसकी खेती अच्छे जल निकास वाली एवं औसत उपजाऊ मिट्टी में सर्वोत्तम होती है। ऊसर एवं असिंचित जमीन में भी इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। इसमें जीवाणुरोधी गुण भी हैं। इसकी फसल के उत्पादन हेतु उत्तर भारतीय मैदानों और दक्षिण भारत डेक्कन पठार उपयुक्त क्षेत्र हैं। लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगान फ्लेक्सुओसस है, जो कि भारत के पारंपरिक आवश्यक तेलों में से एक है। नींबू घास का विशेष अंश इसकी पत्तियों में स्ट्राइल ए और बी की उपस्थिति के कारण होता है। इसकी रोपाई पुरानी फसल से प्राप्त कल्लों स्लिप्स द्वारा करते हैं। सूखे कल्ले पूरी तरह से निकाल दिए जाते हैं, वरना इस फसल पर दीमक का प्रकोप हो सकता है। जून जुलाई में मानसून आने के समय एवं सिंचित दिशाओं में फरवरी मार्च में भी रोपाई की जाती है। फास्फोरस और पोटाश प्रतिवर्ष कटाई के बाद जुलाई माह में गुड़ाई द्वारा भूमि में मिलाना चाहिए। सबसे पहले किसानों को ये चीज देखना है, जहाँ पर पानी की समस्या है, जहाँ पर मजदूरों की समस्या है, तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या आज की उसमें है वो जानवरों से चरने की है। तो ऐसी अगर परिस्थितियाँ हैं और जो ऐसे किसान जिनके पास पारिवारिक ज़मीनें हैं लेकिन वो रह कहीं 100-200 किलोमीटर दूर है, तो उनके लिए लेमन ग्रास एक बेहतर विकल्प है। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि हम अभी कभी ऐसी भूमि का चुनाव ना करें जहाँ पर पानी भरता हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन अगर पानी है तब तो ये चल जाएगी, उसके बाद ज़्यादा पानी भरता है तो उसमें हमें लेमन ग्रास नहीं चुनना है। लेमन ग्रास की खेती में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसकी उन्नतशील प्रजाति ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी ही अपनी प्रजातियां हैं जो प्रगति प्रमाण थी उसमें 0.3% के आसपास तेल होता था, लेकिन जो हमारी कृष्णा वैरायटी है वो 0.8% से 1% तक तेल देती है। और इसके अलावा कृष्णा के बाद हमने एक नई प्रजाति विकसित की है, सिमशिखर बोलते हैं, उसमें कृष्णा से करीब 20% ज़्यादा तेल पाया जाता है। तो उन्नतशील प्रजाति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल कृष्णा वैरायटी लगाएं जिसकी प्लांटिंग मटेरियल सीमेंट में उपलब्ध है। नींबू घास की कटाई के समय प्रत्येक कल्ले में 4 से 5 पूरी तरह से खुली हुई पत्तियां होनी चाहिए। कटाई हंसिया द्वारा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से ही करनी चाहिए, अन्यथा पौधों के मरने की संभावना भी रहती है। आमतौर पर इस फसल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, हालांकि गर्मियों में 4 से 5 सिंचाई, सर्दी में 2 से 3 सिंचाई, प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। किसान भाई जो कि सघन फसलों की खेती कर रहे हैं, चाहे वो पेपरमिंट हो या लेमन ग्रास हो या आपका खस हो, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं तो अच्छी गुणवत्ता एवं अच्छी मात्रा का तेल कैसे निकालें कि जब वो उसको बाज़ार में ले जाएं तो उसको अधिक भाव और अच्छा भाव उसका मिल सके। सघन तेलों में गुणवत्ता के विभिन्नता के मुख्यतः 4 या 5 कारण होते हैं जिस पर किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारा होता है सही कृषि तकनीक, उपयुक्त किस्म और सही आपकी प्रजाति। इससे भी तेल की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। जब आपकी फसलें कटने के लिए तैयार हो जाती हैं तो कटने के पश्चात आसमान टंकी में ले जाने से पूर्व आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर फसलों को सुखाना है तो कितना सुखाना है, सुखाते समय उनको पतली परतों पर सुखाना है। कोशिश करें अगर जैसे कि पेपरमिंट या लेमन ग्रास की बात करते हैं तो एक दिन तक आप उसको सुखा के आसमान आप कर सकते हैं। लेमन ग्रास की पत्तियों से मूल्यवान तेल आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। CSIR CMAP द्वारा विकसित आसवन विधि से न केवल अच्छी गुणवत्ता युक्त एवं अच्छी मात्रा में तेल प्राप्त किया जा सकता है तथा जान माल का खतरा होने का भय भी नहीं रहता। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया में प्रति वर्ष करीब 1500 टन तेल का उत्पादन हो रहा है, जबकि दुनिया में प्रति वर्ष करीब 5000 टन तेल की मांग है।
भारत में महज 700 टन का उत्पादन हो रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि मांग के अनुरूप आगे बहुत संभावनाएं हैं। सीमैप द्वारा विकसित लेमन ग्रास की उन्नत किस्मों सिम कृष्णा, सिम शिखर से न केवल तेल का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता तथा उद्योग की मांग के अनुरूप मूल्यवान सुगंधित तेल भी प्राप्त होता है। पिछले कई वर्षों से लगातार जो खास करके सुगंधित तेलों की मार्केट में बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि इजाफा हुआ है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसी में जो खासकर लेमन ग्रास की मांग है वो पिछले लगभग एक दशक से बढ़ती हुई जा रही है, और इसकी खेती भी लगातार जो खास करके ऐसे क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर जानवरों का खतरा है, जहाँ पर वर्षा की कमी है, वर्षा पर आधारित खेती है, या जहाँ पर दूसरी फसलें अच्छे से किसान उससे मुनाफा नहीं कमा पा रहा, उसमें खास करके नींबू घास की खेती को हम लोग बढ़ावा देते हैं, और अरुणा मिशन में मुख्यतः नींबू घास की फसल को रखा गया है। लेमन ग्रास के लिए हम लोगों ने जो अरुणा मिशन में जो क्लस्टर्स बनाए हैं वो विदर्भ में बनाए हैं, वो आपके नॉर्थ ईस्ट में बनाए हैं, वो बिहार में बनाए हैं, यहाँ बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में बनाए हैं, और बस्तर के एरिया में बनाया है। तो इन क्लस्टर्स से हम लोगों ने जो उम्मीद की है कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ऑयल आने की संभावना है, और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने क्लस्टर बनाए हैं वहाँ वहाँ पर हमने डिस्टिलेशन यूनिट्स, जो इसके तेल निकालने का संयंत्र है, वो भी स्थापित किया है। किसानों के ग्रुप को वो डिस्टिलेशन संयंत्र दिया गया है, और किसान अगर लगाता है, ये पेरिनियल बहुवर्षीय फसल में ये आता है, एक बार अगर किसान लगाएगा तो वो 4 से 5 साल तक बड़े आराम से इसकी कटाई कर सकता है। कटाई के उपरांत 1 साल में अगर हम देखें तो लेमन ग्रास में पहले साल में तो थोड़ी कम उत्पाद आती है, लेकिन दूसरे साल से लगभग 60 किलोग्राम से लेके 80 किलोग्राम, कोई कोई किसान 100 किलोग्राम तक उत्पाद इसका प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के किसान हरक चंद्र वर्मा लेमन ग्रास और अन्य सुगंधित पौधों की खेती कर हर साल लाखों रुपए कमाते हैं। लेमन ग्रास की खेती हमने फरवरी में शुरू कर देते हैं, वहाँ से बीज लाए थे, सीमेंट के द्वारा बीज लाकर और फरवरी से खेती स्टार्ट की। एक एकड़ में हमने लगभग आधा एकड़ में हमने लगभग 12,000 बीज पौध लगा दिए, तो उसके साथ में हमने मेंथा की भी फसल लगा दिया डबल फसल करके। फिर जून में हमने उसकी खेती, फिर मेंथा की खेती मतलब शुरू करके हमने काट ली, उसका तेल निकला, हमने करीब 30 किलो तेल निकला उसमें। फिर हमने जुलाई में इसकी लेमन ग्रास की कटाई की तो उसमें करीब 20 किलो तेल हो गया। आगे ये प्रोसीजर हमको चलता रहा, फिर साल में 3-4 कटाई हो जाती है, और तेल हमको 1 एकड़ से धीरे बढ़ते बढ़ते हमको 4 एकड़ में काम करता है। अगर आप लेमन ग्रास की खेती करने के इच्छुक हैं तथा इसकी खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीमैप के वैज्ञानिक आपको रोपाई से लेकर कटाई और तेल निकालने तक की पूरी जानकारी देंगे। देखिए, CSIR की कुछ प्रयोगशालाएं, जैसे कि हमारे यहाँ सीमैप है, और जम्मू की प्रयोगशाला है IIIM, और IHBT पालमपुर की प्रयोगशालाएँ हैं, ये कुछ कुछ एरोमेटिक क्रॉप्स के ऊपर अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन CSIR में 2 वर्ष पहले ये विचार हुआ कि किसानों की जब समस्याएं बढ़ने लगी, और CSIR में और सरकार में ये सोचा गया कि किस प्रकार से किसानों की मदद की जा सकती है, तो ये पाया गया कि एरोमेटिक क्रॉप्स कैश क्रॉप के तौर पर किसानों के काम आ सकती हैं, और ये जो संस्थान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको एक साथ ला करके एक बड़ा मिशन शुरू किया जाए, और देश में जो सुगंधित फसलें हैं, सुगंध पौधे हैं, इनकी सबकी एक ऑर्गेनाइज तरीके से खेती की जाए, और इसके लिए 5 संस्थान को साथ में ला करके देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो पैदा होने वाली एरोमेटिक क्रॉप्स थी उनको इस प्रकार से चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि उनकी ग्लोबल लेवल पर काफ़ी डिमांड हो और जिसकी कीमत अच्छी हो, जिसको कि किसान आसानी से पैदा कर सके। तो ऐसी करीब करीब दर्जन भर, करीब 15 क्रॉप्स ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई की गई, और देश के सारे जो प्रदेश हैं उनमें ये प्रोग्राम बनाया गया कि उनमें इसका करीब करीब 6,000 हेक्टेयर में CSIR डायरेक्ट इंटरवेंशन से
इसका प्रसारण करेगा, इसको प्रचार प्रसार करेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो अरवा मिशन में प्लान की गई कि उसमें प्रसंस्करण के लिए डिस्टिलेशन यूनिट्स जो हैं किसानों को प्रोवाइड की जाएगी। पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी CSIR की या किसी और उसकी जिसमें कि प्रसंस्करण यूनिट की गई। हमने ये महसूस किया कि किसान एरोमेटिक क्रॉप्स इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अरोमा मिशन में ये भी प्लान किया गया कि कल्टीवेशन और कल्टीवेशन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, ये चारों तरह की सुविधाएं किसानों को उपलब्ध की जाएं, जिससे कि किसानों को अपने श्रम की अपने मेहनत की अधिक से अधिक कीमत मिल सके।